तुमको आराम हुआ? नहीं, पेट दर्द कर रहा है ना? तुम्हारे लिए जूस बना दे क्या? वो कैसा जूस? ऐसा पीते हैं जिससे पेट एकदम ठंडा हो जाता है, साफ हो जाता है। ग्लूकोज ग्लूकॉन डी बूटा बूस्ट, मस्त वाला। बनाओगे एक और बता दिए, इतना सारा मैं इसमें से। अरे वो एक ही का नाम है यार, वो एक ही का नाम, एक ही का क्या नाम है, इतना सारा कौन बोलता है यार। एक कोई भी अच्छे से बना के लाओ जिससे मेरा पेट थोड़ा सा ठीक है। बहुत मस्त वाले जूस बना लेते हैं, ठीक है? जल्दी से बना के लेके आए, पक्का? हां दे डाली यार, प्लीज बना। ये ताली वाली मंदिर में तो मीटिंग में तो तुम ऊपर जानू क्या करो यार बाबू। अब जा रहे तुम्हारे लिए जूस बना रहे। हाँ जाओ ना। ये भगवान क्या जुलुम है। इस बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा क्या मतलब, पेट दर्द कर रहा है, जो नॉर्मली पेट दर्द होता है। तो लंच वगैरह भी मैं ही आज का देख लेता हूँ, बना देता हूँ। तो मेरे को वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है सब काम में, तो बाबू के लिए एक जूस बनाते हैं। जूस क्या, एक ग्लूकोज टाइप का बनाते हैं और प्रैंक करेंगे जबरदस्त वाला। तबीयत भी नहीं सही है, प्रैंक करेंगे और मजा आएगा। मैं थोड़ा सा ये इनो ले लेता हूँ, एक लेमन है और मेरे पास ये मिक्स सॉल्ट है, चाट मसाला टाइप। कुछ अलग बनाते हैं, फिर देते हैं, फिर पूछते हैं क्या है, फिर आगे आगे देखो होता है क्या। ओके एक ग्लास ले लिया, बनाते हुए भी दिखा देते हैं। ले लिया चिल्ड वाटर में, क्या है ना थोड़ा सा पेट ठंडा हो जाएगा। और थोड़ा सा इनो ले लेता हूँ, इनो इनो। ओके गाइस, थोड़ा ही डालूंगा, पेट खराब ही है वैसे भी, इनो तो पेट को फायदा ही करेगा। वैसे तो नींबू लोग बहुत अजीब अजीब तरीके से लोग यूज करते हैं, निचोड़ते हैं, लेकिन मेरे पास एक यूनिक तरीका है। और वो यूनिक तरीका ये है कि मेरे पास प्लास है और मैं प्लास से ही नींबू को निचोड़ता हूँ। गाइस आप लोग कमेंट बताओ, आप लोग नींबू कैसे निचोड़ते हो? मैं तो इसी तरह निचोड़ता हूँ गाइस। खत्म। इतना नींबू तो इनफ होगा, अब थोड़ा सा मिक्स बुकलू बुकलू मिक्स बुकलू भी हो गया, नींबू भी हो गया, ये भी हो गया। इसको कांटे वाले चम्मच से मिलाना चाहिए, उससे क्या होता है थोड़ा सा इंग्रेडिएंट जो है ना अच्छे से मिल जाता है अंदर। टेस्ट तो अच्छा है, बाबू को देख के देखते हैं। मुझे मालूम है उसको ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग को भी, आप लोग के साथ ही देखता हूँ मैं भी कि उसको। तो गाइस मैंने थोड़ा बनाया है और थोड़ा खट्टा ज्यादा है, तो इसमें पानी पूरा फुल ऊपर तक कर लेता हूँ, क्योंकि ग्लूकोज का मतलब ही होता है पानी। गाइस अब एकदम असली लग रहा है, थोड़ा और भर लेता हूँ। ये देखो गाइस असली ग्लूकोज, असली। थोड़ा सा नमक भी डालना चाहिए ना, इससे क्या होगा पेट साफ हो जाता है मैंने सुना है। थोड़ा सा मम्मी कहती है चुटकी से डालने में ज्यादा सही रहता है। ओके गाइस जूस तैयार है। ओके बाबू के पास लेके चलते हैं और देखते हैं बाबू इसको पीती है और उसका क्या रिएक्शन होता है। चुप! चुप! बाबू ए बाबू लो तुम्हारे लिए ग्लूकोज बनाया है, अल्फा बीटा गामा ग्लूकोज। बहुत बढ़िया बनाया है, एक बार में पेट सफा रो दफा। उठो, हाँ उठो उठो। तुमको तो किसी की तबियत खराब, तब भी मजाक करते रहते हो। मजाक
इसको पियो, कायम चूर थे इसके आगे। ये कायम चूर क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रचार आता था पहले, ऐसा लग रहा है। अच्छा बनाया, अच्छा लग रहा है। अरे मेरे हाथ में जादू ऐसे थोड़ी बनाया है। कैसा लगा बाबू पी के? बहुत अच्छा बनाया। पूरा पी ली क्या? अभी पी रही हूँ भाई। अच्छा अच्छा पी लो। अब कैसा लग रहा है? अच्छा बनाया। क्या क्या डाला है इसमें? कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है? थोड़ा खट्टा। अच्छा। और मीठा नहीं लग रहा है क्या? खट्टा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा नमकीन भी तो होगा। हाँ, अलग अलग इंग्रेडिएंट है, अलग अलग। हमने सीधे मतलब सीधे शाही हकीम से बात हुई, फिर उसके बाद हमने बराबर अपना मसाला निकाला और मसाला उसमें मस्त मिला दिया। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था वो। पियो पियो पियो। हमने ना जंगलों से ही इसमें जड़ी बूटी तोड़ के ले आए, और पेड़ का ताजा इसमें जो भी जूस निकलता है, और दो चार टाइप के पेड़ थे जिनके हमने खाल नोच के उनके अंदर का जूस जो है निकाला, और काफी मेहनत लगी इसमें। मतलब मेरे को लगता है कि 25-30 घंटे लगे जूस बनाने में इसके पहले। हाँ, काफी टाइम लग गया। ऐसे नहीं कि तुम बीमार पड़ी हो, फुरो से बनी हो। फुरो से नहीं बना, बट समय इसमें लगा। बहुत अच्छा था। और चाहिए है क्या? और बना देंगे ना, तुरंत बना देते हो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, हम बनाते 3 ग्लास पी चुके ना हम। अच्छा। हाँ, तब इसको ऐसा हमने बैठ के टका रखा। तो एक और दे दो, काफी अच्छा लग रहा है यार। अभी बना देते हैं एक और। तुरंत अभी और देते हैं या रुक के देते हैं? तुरंत दे देते हैं ना, इससे पेट थोड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या डाला था आपने? क्या क्या डाला था? बताया तो सब कुछ तो बता दिया, जो जो डाला था, कैसे बनाया, क्या बनाया, सब तो बता दिया। आप तो बोल रहे 30-25 घंटे लगे जड़ी बूटी, तो फालतू चीजें मत बोलो यार बाबू। जो डाला वही बताओ ना। जो डाला है वही तो बताऊंगा, अलग से थोड़ी बता दूंगा। अब ये तो मछली का तेल थोड़ी डाला था इसमें। मछली का तेल नहीं डाला था, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इतना सारा जड़ी बूटी थोड़ी डाला था, ये तो मुझे भी पता है। 30-25 घंटे लगे, 10 मिनट भी नहीं लगे आपको बना के देने में। उस 10 मिनट को बनाने में मुझे 30-25 घंटे लगे बाबू। और बना के लिया है? रुको, जा रहे। कंट्रोल। मैं बैठी हूँ, जल्दी ले आओ, फिर मैं आराम करूंगी थोड़े टाइम। ओके गाइस, तो मैंने बाथरूम में सेटअप लगा लिया है, और यहीं मैं पास कमोड के पास हूँ, और ये ग्लास है यहाँ से। मैं यहीं से पानी भर लूंगा और बोलूंगा मैंने कि यहीं से पानी लेके तुम्हारे लिए बनाया था वो जूस, वो जो ग्लूकोज बनाया था वो मैंने यहीं के पानी से बनाया था, ऐसा बोलूंगा मैं। और फिर देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है ना, मजे लेते हैं। यहाँ पे कमोड है ना, तो उसको मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ से पानी लिया है, और फिर गाइस धमाका होने वाला है, मुझे बहुत पढ़ने वाली है गाइस, इसके लिए लाइक कर देना। ओके गाइस, मैं इसको इधर गिरा देता हूँ पानी के लिए, और मैं इसको यहीं पे गिरा के फिर उठा के फिर दिखाऊंगा ऐसे करके कि मैंने यहाँ से पानी लिया था। ओके गाइस, धमाका हुआ गाइस, धमाका। मैं दोबारा सेटअप कर देता हूँ ना। यस, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। गिर गया क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं गिरा है। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं बाबू, कुछ नहीं, बस तो हम तो अपना काम कर रहे थे बाबू। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गिर गया क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं गिरा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अपना इंग्रेडिएंट ले रहे हैं बाबू। कैसे? कहना क्या चाहते हो? इंग्रेडिएंट, यहाँ कौन सा इंग्रेडिएंट ले रहे हो? अरे वो तुम्हारे लिए वो जूस बना रहे थे ना। तो जूस यहाँ कौन सा जूस बनता है? किचन में जूस बनता है कि यहाँ जूस बनता है? अरे इंग्रेडिएंट तो यही है ना, तो जूस तो यही से बनाया ना मैंने। इंग्रेडिएंट मतलब? अरे इंग्रेडिएंट का क्या मतलब, जैसे जैसे हमने बनाया जो जो मटेरियल यूज किया वो सब यही से तो लिया मैंने। तुमने मुझे ये अभी दिया पीने के लिए? पागल हो क्या यार? पानी तो पानी होता है बाबू, पानी तो पानी होता है। तो मुझे ये दिया पीने के लिए, किस खुशी में? अरे यार, किस में खुशी जैसी क्या बात है, तुमने बोला अच्छा इंग्रेडिएंट चाहिए तुमको, अच्छा टेस्ट लगा तो मैंने कहा भाई अच्छा। फिर पागल क्या यार,
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। गाइस उल्टी भी आम हो रही है। बाबू नहीं उल्टी नहीं करो बाबू, प्रैंक कर रहा है बाबू, उल्टी नहीं करो। तुमने क्यों क्यों दिया मुझे पीने के लिए? अरे पानी अच्छा वाला पानी, आलो का पानी था वो। ये तो यहाँ क्या कर रहे थे? प्रैंक कर रहा था बाबू तुम्हारे साथ। देखो बाबू तबियत खराब रहता है फिर भी प्रैंक होता है क्या? अरे गाइस बहुत चटाका पड़ गई है गाइस, बहुत मार रहा है। ओके गाइस, गाइस उसकी तबीयत सच में खराब थी और मैंने उसके ऊपर प्रैंक कर दिया है, और उसको मैंने ये भी बोल दिया कि ये पानी था, लेकिन मैं अभी उसको जाके मनाऊंगा कि ये पानी नहीं था, वो वाला पानी था। मैं उसको वीडियो दिखाऊंगा बाद में कि कौन सा मैंने उसको दिया था। ओके गाइस, बहुत धमाका हो गया गाइस। गाइस अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है गाइस, अभी मेरे साथ आओ गाइस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हटो। वो पानी नहीं था। तो तुमने मुझे क्या दिया था पीने के लिए? आओ दिखाए। आओ दिखाओ का क्या मतलब है, मुझे नहीं बता सकते? मजा नहीं आ रहा है। इनो था, बुगनू काला नमक था और चटनिया था, बस चटनिया था, बस बाबू इतना ही था। उसको अच्छे से घोल बना के पेस्ट बना के हम मस्त पानी, ठंडा पानी डाल के तुमको दे दिए, और तुमने बोला था हाँ तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा ओ हो प्रैंक करते हैं चलो। यार मेरी तबीयत खुद ही नहीं ठीक है, आपको पता है। कोई बात नहीं बाबू, कभी कभी तबीयत नहीं ठीक होने में भी बहुत अच्छा प्रैंक हो जाता है। देखो कितना मजा आया रहा। मुझे एक ग्लास और दो पीने के लिए, अच्छा लग रहा था। बना के लाए? हाँ। ओके थोड़ा ही लेकर आना। ओके ओके गाइस, तो बाबू की तबीयत सच में नहीं सही है और एक उल्टी भी हो गई प्रैंक के चक्कर में, और थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। मैं ही देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। आज बाबू को काम नहीं करने दूंगा। और बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके बाय बाय।